नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और दी ऑर्डरिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों पर बरसे कप्तान कोहली। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया। कुछ यूजर्स ने शमी के धन पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार तक कह डाला। अब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ऐसे ट्रोलर्स पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वह बिना रीढ़ के होते हैं, उनके पास किसी से आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती है। मोहम्मद शमी के साथ हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग पर भारतीय कप्तान काफी भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान बाहर के ड्रामे पर नहीं है, हम पूरी तरह से मैच पर फोकस कर रहे हैं। विराट बोले कि किसी को भी धर्म के आधार पर निशाने पर लेना पूरी तरह से गलत है, अगर ये होता है तो सरासर गलत है। मैंने कभी इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों का काम ही है यह करना। विराट ने यह भी कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर है जो अपनी असली पहचान छिपाकर इस तरीके का काम क्या करते हैं। आजकल के समय में यह काफी आम बात हो गई है। ये इनकी जिंदगी का सबसे निचला स्तर है जब वो किसी को किसी तरह से परेशान करते हैं। हम अपने ड्रेसिंग रूम में माहौल को सही रखते हैं और अपने खिलाड़ियों को साथ रखते हैं। बाहर जो भी ड्रामा खड़ा किया गया है वह पूरी तरह से उनकी गलतियों को दिखाता है। कैप्टन कोहली ने यह भी कहा कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के अहम अंग व हिस्से हैं। उन्होंने भारत को काफी मैच जितवाए हैं, फिर भी अगर उनके खेल में किसी को वो बात दिखाई नहीं देती जो दिखनी चाहिए तो उनका वह कुछ नहीं कर सकते और ना ही वैसे लोगों के बारे में बोल के वे अपना वक्त जाया करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के सदस्य उनके साथ 200% खड़े रहेंगे और बाहरी लोगों के बर्ताव का उनके संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ सकता। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर व अन्य सीनियर क्रिकेटर भी शमी के समर्थन में नजर आए और उन्होंने आलोचकों को भी जमकर करारा जवाब दिया। इस पूरे मामले के बाद शमी ने ट्विटर पर पहली पोस्ट की। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग पर लौटने की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, ट्रेनिंग पर वापसी, ट्रेनिंग सेशन अच्छा रहा और हमारे युवा प्रतिभाशाली क्रिकेटरों से बातचीत करके अच्छा लगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अगले मैच पर पूरा फोकस। तस्वीर में शमी के साथ जसप्रीत बुमराह गेंद के साथ कुछ चर्चा करते नजर आ रहे हैं। शमी और बुमराह के अलावा तस्वीर में आईपीएल में जानदार प्रदर्शन करने वाले आवेश खान और उमरान मलिक दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपना पहला मैच चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से दुबई में खेला था। इस मैच में उसे एक तरफा 10 विकेट से हार मिली थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने हाफ सेंचुरी जड़ते हुए भारत से मैच छीनते हुए वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ पहली मैच जीत दिलवाई थी। अब भारतीय टीम को दुबई में ही अपना अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खेलना है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना है। अब टीम इंडिया के खिलाड़ी किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जानने के लिए देखते रहिए द ऑर्डरिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।